ट्रिकी कोचिंग क्लास 2 में आपका वेलकम। आज हम मित्तल के बुक से देखिए फिजिक्स फर्स्ट लेसन 9 पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ का न्यूमेरिकल बताते हैं, उसकी थ्योरी बताते हैं। देखिए जितना भी पॉइंट है सब उसकी एक एक चीज को एक डिटेल डिटेल आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके जो क्वेश्चन है कैसे है, किस तरह आपको लगाना है, ये हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसे लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसे चुंबकीय अमोत्तर के देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 मीटर स्क्वायर है, अतः इसे चुंबकीय अमोत्तर तथा उत्तरी ध्रुव के भौगोलिक दक्षिण की ठीक है देखिए उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 मीटर की सेमी की दूरी मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। मी 0.4 पाई का मान देखिए 10^10 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, इसका आंसर देखिए 3.5×10^5 इतना देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन उतार लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देखिए लगा के दिखाते हैं। ओके माय डियर, देखिए ध्यान से चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, एक छोटे चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण किससे व्यक्त करते हैं ये ध्यान दीजिए सबसे पहले, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण इसका दिया है 4.8 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी जो एम की वैल्यू है चुंबकीय आघूर्ण जो है ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जो है एम की वैल्यू यहाँ पर लिखिए हल, हल के बाद लिखिए वहां नंबर एक, चुंबकीय आघूर्ण जो किससे देखिए है एम की जो वैल्यू है एम बराबर यहाँ देखिए दिया है, लिखिए तब आपको सही लगेगा, लिखिए दिया है या गिविंग ये लिख लीजिए दिया है। देखिए एम बराबर 4.8 क्या है एम्पियर, देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये देखिए एम की वैल्यू हो गई। चुंबकीय अमोत्तर उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके ठीक है, ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेमी की दूरी पर, तो आर बराबर आपको दिया है 30 सेमी दिया है। देखिए सेमी में कभी सवाल में नहीं लगेगा, इसको मीटर में बनाइए, इसमें बनाना है देखिए मीटर में आपको बनाना है। ओके माय डियर, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए किसमें बनाना है आपको मीटर में, तो आर बराबर 30 सेमी, तो आर बराबर 30 गुणे 10^ कितना हो गया -2 मीटर। देखिए एक जीरो जीरो से कम कर दीजिए, आर बराबर 3 गुणे 10^ देखिए एक जीरो कम हो जाएगा -2+1 हो जाएगा, आर बराबर 3×10^-1 मीटर हो गया। ओके देखिए फिर क्या पूछ रहा है, देखिए क्षैतिज में है, इसमें चुंबकीय अमोत्तर पृथ्वी क्षेत्र रखा गया है। उदासीन बिंदु क्षैतिज घटक की गणना कीजिए, क्षैतिज घटक में BH की मान पूछ रहा है, BH जो आपका क्षैतिज है। देखिए B जो होता है आपका क्या होता है वो आपको बता दे सबसे पहले, देखिए जो B है देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, B को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं चुंबकीय, क्या कहते हैं चुंबकीय मैग्नेटिक, जो इसमें एच लगा इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं देखिए ध्यान से देखिए सब लोग क्या बोलते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक है ना, तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में होता क्या क्षैतिज, अगर जिसको ना आता हो देखिए ठीक से बता रहे हैं, इसी को देखिए एच में इसका इसका जो पहला पॉइंट है एच हम लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र जो है, सूत्र देखिए सूत्र इसका क्या है वो आप देखिए, तो BH बराबर देखिए BH बराबर क्या हो जाएगा हाँ बताइए, μ0/4π इंटू देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना सभी को हाँ, चलिए ठीक है μ0 कितना बताया μ0/4π इंटू 2m
अपान कितना होगा, आर क्यूब होगा। देखिए ये सूत्र है, इसी सूत्र पर आपको मान रखना है, क्या करना है, इसी सूत्र पर आपको मान रखना है। देखिए बी एच, देखिए ये क्षेत्रीकरण चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। मी जीरो अपॉन 4 पाई का मान देखिए बुक में दिया है 10⁻⁷, क्या दिया है 10⁻⁷ गुणे 2 गुणे ईएम की वैल्यू देखिए दिया है 4.8, 4.8 अपान देखिए आर की वैल्यू है एक कितना है 3 × 10⁻¹ का क्यूब है, ठीक कि नहीं। सभी देखिए इतना, अब इसको हल करिए आप लोग, सभी लोग हल करके सब लोग बताइए कमेंट बॉक्स करके। देखिए इतना आपको हम बता दिए, हल करके आप लोग सब बताइए देखिए आपका कितना आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा, चलिए देखिए लगा देते हैं। तो बी एच बराबर देखिए 48 × 96 9.6 गुणे 10⁻⁷, 10⁻⁷ नीचे हो जाएगा, देखिए 3 × 9 = 27 गुणे 10⁻ कितना हो जाएगा -3। ओके देखिए सब लोग इतना देखिए इतना कितना इसका आ रहा, तो ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए इतना सभी का आया, चलिए 27 किस में भाग करिए, देखिए बी एच बराबर क्या हो गया 96/27 गुणे 10⁻⁷। देखिए एक पॉइंट यहाँ हटाएंगे इसमें क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा, देखिए ये 10⁻⁷ था, यहाँ पे आएगा ये 10⁻², हो जाएगा तो +2 हो गया। इसका भाग करिए बी एच बराबर देखिए 27³ जा, इस तरह भाग कर लीजिए, देखिए इधर तो मान लिया आपका आ जाएगा 10⁻⁵, देखिए 7 में से 2 गया कितना बचा -5। ओके माय डियर इधर भाग करिए 27 / 96 27³ 3 × 3 = 21 एक देखिए 27³ 3 × 3 = 21 हमें 3 × 6 = 2 = 8 = 81 तो 27³ देखिए 81 6 × 1 = 5 और 9 × 8 = 1 दशमलव लगाइए जीरो लगाइए, ठीक है, देखिए सभी समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए कई बार ले जाना 5 बार जाएगा 27⁵, देखिए 27⁵ देखिए 27 में 5 बार करके चेक करिए देखिए कितना आ रहा 27⁵ 5 × 35 = 5 × 6 = 5 × 3 × 5 = 10 × 3 = 135 कितना हो गया देखिए 135 तो ये आ रहा है 3.55 देखिए इतना आ गया वेबर, क्या आएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हमने कहा है आप एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए लगाने के ट्रिक होनी चाहिए, कैसे लगाना है ये आप लोग देखिए, आप लोग ये समझिए। देखिए ये सूत्र है, ये बी एच का मान देखिए हॉरिजॉन्टल हम आपको बताए थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए, देखिए बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन जा रहा है। चलिए आप लोग का हो गया, दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में दूसरा जो है देखिए लगा, एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव की ओर रखा गया है, उदासीन बिंद चुंबक के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर है, यदि बी एच का मान देखिए इतना गॉस है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक गॉस का मान इतना मीटर दिया है तो आपको कैसे निकालना है, देखिए सब लोग पहले क्वेश्चन खूब अच्छी तरह लिख लीजिए तो उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है ठीक है। देखिए लिख लीजिए सभी लोग, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, आ गया तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक छोटे चुंबक का केंद्र से कितनी दूरी पर है, देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, देखिए बी एच की वैल्यू इसमें दी है, बी एच मतलब क्षैतिज घटक जो है आपका चुंबक का, देखिए 10⁻⁴ कितना दिया -4 कितना दिया, देखिए 10 नहीं गलत दिया
0.4 दिया है। देखिए Bs की वैल्यू जो आपको दिया है 0.4 गॉस, 0.4 गॉस, ओके। और देखिए क्या दिया है, उत्तरी ध्रुव रखा है 10 सेमी की दूरी पर, r बराबर, देखिए 10 सेमी है, इसको मीटर में बनाइए, r बराबर इसका देखिए इतना जाएगा 3 × 10⁻¹, देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा कितना मान आया है, ठीक है। देखिए 10 सेमी रद्द कर दिया भाई, तो नहीं देखिए 10 सेमी है तो ये 10 × 10⁻²² हो गया, तो 10 × 10⁻²² हो जाएगा, तो इसको काटेंगे देखिए आर की वैल्यू इतना आएगा भाई, सॉरी 10⁻¹ मीटर आएगा, देखिए आर की वैल्यू हो गई। अब क्या पूछ रहा है इसमें, ये चुंबक के त्रिज्या रखा है, उत्तर से चुंबक के 10 सेमी दूरी पे यदि चुंबकीय आघूर्ण यानी कैपिटल एम का मान जो निकालना है, तो सूत्र वही है, देखिए आप लोग देखिए जो सूत्र हमने लगाए थे वही सूत्र पर निकाल कर, देखिए बस अंतर इतना है, देखिए अंतर आपको इतना देखना है, छोटे चुंबक को उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, और वो वाला क्या था आपका, देखिए दक्षिणी ध्रुव था, ठीक है, तो इसमें जो दो नहीं रहेगा इतना ध्यान देगा, तो सूत्र रहेगा बी एच बराबर बी एच की वैल्यू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई डॉट एम अपॉन आर क्यूब, बी एच की वैल्यू कितना है 0.4, म्यू जीरो का मान 10⁻¹। देखिए म्यू जीरो का मान कितना है इसमें, कितना दिया म्यू जीरो का मान, देखिए कितना दिया है आप बताइए, 10⁻¹ दिया है, हाँ उतना ही दिया है, गुड़े कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू देखिए 10⁻¹ है, 1 का क्यूब हो गया, ओके। इसको हल करिए सब लोग कैसे होगा देखिए, तो 0.4 गुड़े 10⁻¹ अपॉन 10⁻³ गुड़े कैपिटल एम, देखिए इस तरह आप लोग हल करिए पहले अच्छी तरह से, नहीं समझ में आ रहा चलिए देखिए फिर समझाते हैं कि जो एम देखिए इसके पास रहेगा गुड़े एम, देखिए इस तरह हो गया, इधर लगाते हैं देखिए ऊपर लगा दिखाई दे, तो 0.4 बराबर एम गुड़े 10⁻¹³ हो जाएगा, तो एम बराबर 0.4 गुड़े देखिए 10 में 7 निकले कितना हो गया 10⁻¹ कितना आ जाएगा, 10 करते -7 में से 3 निकाल देंगे -4 आ गया, एम बराबर, ठीक है कि नहीं, देखिए एम बराबर कितना आ रहा है बताइए, कौन बताएगा, ठीक बताइए कितना आएगा, देखिए हमने यहाँ एक गलती कर दिया, देखिए कहाँ पर देखिए जो बी एच की वैल्यू है इसको ये इसका मान जो रहेगा इसमें नहीं लगने लगेगा, तो बी एच की जो वैल्यू रहेगी यहाँ देखिए नीचे हमको ऑफ करना पड़ेगा 0.4 गुड़े 10⁻¹ हो जाएगा, क्योंकि किसमें किसमें लगे लगता है देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, न्यूटन एम्पियर मीटर में, देखिए ये 10⁻¹ किसमें बदल दीजिए इसमें जाएगा देखिए, देखिए नहीं समझ में आता देखिए फिर से बताते हैं आपको, देखिए नीचे इसमें दिया है सवाल में एक गॉस बराबर 10⁻¹², ठीक है न्यूटन, देखिए यहाँ पे दिया है न्यूटन प्रति कितना दिया है प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर में देखिए इसको कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे सवाल में देखिए नहीं आएगा, तो हम लोगों का देखिए सवाल में देखिए इसी जगह फॉल्ट हो गया तभी देखिए आंसर नहीं आ रहा था, 0.4 गुणे ये कितना जगह 10⁻¹ हो जाएगा, ठीक देखिए इसी जगह तभी नहीं आ रहा तभी पहले कहा नहीं आ रहा बराबर देखिए, तो 0.4 गुणे 10⁻¹ हो गया, ठीक तो 0.44 गुणे 10⁻¹ बराबर यम गुणे 10 पावर देखिए कितना हो गया -4, तो -4 से कट गया
m बराबर क्या होगा 0.4, देखिए कितना हो गया 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या आ गया एम्पियर, ठीक है, क्या है देखिए एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, देखिए ये अंतर आपका हो गया। ओके माय डियर, देखिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, अब उसके लिए देखिए क्या करें। आपको सबसे ज्यादा इसी जगह ध्यान दीजिएगा, देखिए गॉस में सवाल नहीं लगेगा क्योंकि उसमें किया है, गॉस को इसमें बदलना पड़ेगा, 10^4 में आपका सवाल एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर भौगोलिक क्षेत्र रहेगा तो 2 नहीं लगेगा, उत्तरी ध्रुव रहेगा तो 2 लगेगा, ध्यान दीजिएगा उत्तरी ध्रुव पर यहाँ 2 नहीं लगेगा, भौगोलिक क्षेत्र में लगेगा, आपका सवाल आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं, अगर आप लोगों का हो गया है। देखिए सवाल नंबर 3, किसी स्थान पर चुंबक, किसी स्थान पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वघटक बराबर है, यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए आपको उत्तर 0.4 पॉइंट 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लाना है, तो सवाल एक बार ध्यान से देख लीजिए, खूब लिख लीजिए। देखिए सवाल अगर देख देख के नहीं लगा लगा चलेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ओके माय डियर, देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी एच ओ बी वी दिख दिख रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 4 स्टेप का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। देखिए देखिए कैसे सवाल लग रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको 2 मिनट में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज और ऊर्ध्वघटक, हमने आपको बताया कि क्षैतिज घटक को देखिए बी एच, देखिए क्षैतिज घटक, क्षैतिज मतलब ये मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये क्षैतिज की पड़ताल है, अगर इसको ऊर्ध्व घटक कहता है तो वी हो जाता है, वी से वर्टिकल होता है, क्या होता है वर्टिकल, वर्टिकल को क्या कहते हैं ऊर्ध्व घटक कहते हैं, ध्यान दें ये ऊर्ध्व घटक के लिए शो करता है, वी जो है ऊर्ध्व घटक के लिए शो करता है, ये जो क्षैतिज घटक के लिए शो करता है। देखिए ये दोनों का मान आपको कितना दिया, 0.3 × 10⁴, कितना मान दिया 0.3 × 10⁴ किसमें दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में दिया है। ओके माय डियर, अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को देखिए बी ई से व्यक्त करते हैं। देखिए ई जो है अर्थ है, क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, ठीक है, क्या है पृथ्वी, तो बी ई का मान देखिए इसमें आपको संपूर्ण निकालना है, आपको निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा वो आप ध्यान से देखिए। देखिए इसका सूत्र है बी ई बराबर, सूत्र देखिए, इसलिए देखिए हमने आपको डॉट लगाया, सूत्र है बी ई बराबर रूट में बी एच प्लस बी बी का स्क्वायर। ओके माय डियर, बी एच का स्क्वायर, बी एच स्क्वायर बी बी का स्क्वायर, चलिए देखिए आगे बी ई बराबर रूट में, ठीक क्या होगा देखिए आप लोग बताइए, देखिए बी एच तो रहेगा वही बी एच का स्क्वायर प्लस ये जो बी बी है, देखो बी बी के स्थान पर बी एच लिख दीजिए बी एच स्क्वायर, तो बी ई बराबर रूट में 2 BH² ओके। अब समझ में आ रहा देखिए आपको कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बी ई बराबर रूट 2 × BH हो जाएगा, ठीक कि नहीं, देखिए जिसको न्याय बताएगा फटाफट। अब देखिए इधर चलते हैं हम आपको, तो बी ई बराबर रूट 2 का मान 1.414, देखिए 1.414 बुढ़े, देखिए बी एच की वैल्यू देखिए दिया है 0.3 × 10⁴ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसके इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, देखिए एक और बताइए बताइए, 0.42
कितना आएगा देखिए, तीन इसमें मल्टीप्लाई करते, तीन चौक बारह के दो आत्मा एक, तीन गुण तीन एक चार, तीन चौक बारह के दो आत्मा एक, तीन गुण तीन एक चार, एक दो तीन और एक चार अल्फा, एक दो तीन देखिए चार अल्फा लग गया। ओके देखिए ध्यान से देखिए, चार अल्फा लग गया, तीन एक चार अल्फा, फोर टू आ गया, कितना आ गया फोर टू आ गया आ गया। इसको गुणे देखिए टेन पावर माइनस फोर ले लेते हैं, तो इसको आंसर लिखेंगे 0.042 गुणे टेन पावर माइनस फोर, ठीक टेन पावर माइनस फोर क्या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए ये आपका आंसर आ गया। चलिए बहुत फास्ट लगाइए आप लोग, देखिए तो बहुत ईजी है एकदम। देखिए ये दोनों बराबर रहेगा तो दोनों को बराबर, दोनों से बराबर कर दीजिए, दोनों का मान एक रख दीजिए, रूट टू का मान देखिए रखिए, बी एच का मान उठा के रखिए, हल करिएगा आपका आ जाएगा। ऐसे इजी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन अब फोर्थ पे आइए। देखिए फोर्थ, एक देखिए एक स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, देखिए इतना दिया है, इतना जितना है, यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 अंश है तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक के मान की गणना कीजिए। देखिए है ना, क्षैतिज घटक के मान की गणना कीजिए। देखिए आप लोग सब सवाल ले गए फटाफटा, पहले सवाल उतारिए तो आपको हम बता देते हैं। देखिए क्षैतिज घटक देखिए है, ऊर्ध्व घटक क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए फटाफट देखिए सब लोग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में चार है उतारिए, तो ब्लैक बोर्ड पर हम पढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में चार बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के नमन कोण, इसमें थीटा का मान दिया है, थीटा बराबर 30 अंश दिया है। फिर क्या कह रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक को हम किससे बताए हैं, सब ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर घटक को बी बी से बोलते हैं। बी बी बराबर का मान दिया, कितना दिया है 0.2√3 गुणे कितना है 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। ओके डियर देखिए इतना टेस्ला दिया है, उसके बाद देखिए इसमें बदलना है, नहीं बदलने रहा, क्षैतिज घटक पूछ रहा है, क्षैतिज घटक मतलब बी एच का मान पूछ रहा है, कितना मान बी एच का मान निकालना है। सूत्र देखिए आपका यह है, सूत्र देखिए क्या है, tan थीटा बराबर, देखिए जब नमन कोण आ जाए, ध्यान दीजिएगा जब नमन कोण आ जाए तो tan थीटा लगाते हैं, कौन सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर bb, देखिए bb बटे bh, tan थीटा का मान देखिए कितना है tan 30 अंश, bb का मान देखिए कितना है 0.2√3 गुणे 10 पावर माइनस 4 अपान बी एच का मान लिखे निकालना है, इसका मान निकालिए 1/√3 बराबर 0.2√3 गुणे 10 पावर माइनस 4 बटे बी एच, लेकिन तिरछा गुणा कर दीजिए इसमें, सभी लोग इसका तिरछा गुणा करिए। देखिए देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यार एकदम इसको बराबर लिखे तब आपको समझ में, देखिए 1/√3 देखिए इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो ये देखिए बी एच बराबर सीधा सीधा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 6 तो 0.6 देखिए कितना अंतर है 0.6 गुणे 10 पावर माइनस 4 इतना आ गया 10 पावर 4 टेस्ला। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था टेस्ला, देखिए ये आंसर आपका आ गया, देखिए ये आंसर है आपका। ओके माय डियर देखिए इससे इजी कोई मेथड आपको नहीं मिलेगा, देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में। देखिए क्वेश्चन में फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसी स्थान में पृथ्वी की चुंबकीय का क्षैतिज घटक, देखिए बी एच का मान दिया है, इसमें डीजा मान देखिए 60 है, ऊर्ध्व घटक पूछ रहा है,
तो उद्घटक आप निकालेंगे, देखिए जो भी सूत्र बताए उसी सूत्र पर देखिए रख लीजिएगा आपका एकदम मान। देखिए बी एच का मान दिया है, बी वी का मान रख के थीटा का मान रख के निकाल लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पाँच का भी हिंट दे देते हैं, अब पाँच के बाद देखिए छठवा भी क्वेश्चन देखिए लगा देते हैं। चलिए चलिए लगा देते हैं, आप लोगों को नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, नहीं आ रहा तो हम आपको फिर से बता देते हैं। ठीक है डियर, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो है क्या दिया, देखिए बी एच का मान दिया है, बी एच का मान कितना दिया है 0.3 गुणे 10 पावर कितना है देखिए -4, और थीटा का मान देखिए आपको 60 दिया है, और क्या और क्या पूछा, बी वी का मान पूछ रहा है, देखिए बी वी का मान पूछ रहा है, सूत्र देखिए आपको ही लगा लेना है, जो हमने लगा देता है थीटा बराबर कहते हैं बी, देखिए बी वी अपान बी एच। ठीक है, इसी मान रख के आप लोग बी वी का मान निकाल लीजिए। ठीक, देखिए निकालने पर आपका आंसर देखिए इतना आएगा, कितना आएगा बी बी बराबर 0.3 √3 गुणे 10^-4 आएगा। देखिए लगाएंगे नहीं अभी, लोग इतने फड़क रख के निकाल लीजिए, आप लोग लगा लीजिए। ठीक डियर, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सिक्स क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखिए डियर किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षतिग्रस्त 0.3 गॉस है। देखिए दिया है क्षतिग्रस्त 0.3 गॉस दिया, नमन कोण का मान देखिए 60 दिया, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण पूछ रहा है, संपूर्ण तीव्रता में बी ई का मान निकालना आपको है, किसका मान निकालना, देखिए बी ई का पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है ये देखिए उतारिए, उसके बाद आप लोग को लगा के दिखाते हैं। देखिए ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है किसी स्थान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, जो क्षैतिज घटक मतलब बी एच का मान देखिए इसमें दिया है, बी एच का मान देखिए कितना दिया है, क्षैतिज घटक को देखिए बी एच से कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, क्षैतिज घटक 0.3 दिया है, कितना दिया है 0.3 गॉस है, अगर गॉस है देखो टेस्ला में बदलिए 0.3 गुणे 10^-4। ठीक है, 0. कितना होगा 10^4 टेस्ला। ठीक है, देखिए कभी भी ध्यान दीजिएगा गॉस में सवाल नहीं लगता है, किसमें नहीं लगता, गॉस में सवाल नहीं लगता है, जब भी लगेगा टेस्ला लगेगा। और देखिए आपको क्या दिया है, थीटा की वैल्यू आपको 60 दे दिया है, ओके, और आपको देखिए क्या पूछ रहा है, बी ई का मान पूछ रहा है, बी ई का मान पूछ रहा है, तो हमने सूत्र आपको बताया है कि जब टैन थीटा बराबर, ठीक है टैन थीटा बराबर बी बी, देखिए बी बी बेटे बी एच, टैन थीटा का मान रख दीजिए 60, तो टैन 60 बराबर बी बी का मान नहीं मालूम है, बी एच का मान देखिए मालूम है 0.3 गुणे 10^-4। ओके माय डियर, देखिए इतना मान दिया है। अब इसके बाद देखिए, देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना, 10^60 आंत का मान रखिए, तो √3 बराबर बी बी बटे 0.3 गुणे 10^-4, तो बी बी बराबर 0.3 √3 गुणे 10^-4। देखिए इतना आ जाएगा, देखिए सभी दिखाई दे रहा है ना, देखिए चलिए ठीक है। अब देखिए इतना आने के बाद अब बी ई का मान हमको निकालना है, तो बी ई का मान कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए बी ई का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बी ई बराबर, देखिए बी ई बराबर रूट में बी ई, देखिए बी एच का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, ओके इसी में रख के देखिए मान आपको निकालना है, आप लोग मान रखिए, मान रखने देखिए कितना आ रहा है, रख के बताइए।
देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें मान रखते हैं आगे, तो BE बराबर रूट में BH की वैल्यू देखिए 0.3 है, 0.3 रूट 10^-4 का स्क्वायर प्लस देखिए इसमें BB की मान है 0.3, 0.3 गुणे देखिए √3 गुणे 10^-4 का स्क्वायर देखिए मान रख देते हैं। तो BE बराबर देखो इसको इसको हल करेंगे तो 3 × 9 0.9 देखिए 9 गुणे 10^-8 हो गया प्लस ई देखिए करेंगे देखिए आपका तो 3 × 9 9 9 3 27 0.27 गुणे 10^ देखिए -8। तो BE बराबर हल करेंगे 0.30 देखिए 27 9 36 36 × 10^-8 तो BE बराबर देखिए 36 का 0.6 हो जाएगा गुणे 10^ देखिए -4 हो गया देखिए टेस्ला में आ गया। टेस्ला से देखिए इसको इसको निर्धारित करिए तो हटाएंगे तो BE बराबर देखिए 0.6 गॉस में आ गया देखिए एक गॉस में आंसर हमारा दिया हुआ है देखिए आंसर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए जब टेस्ला से गॉस में आते हैं तो इतना 10^4 लगाते हैं और इसमें गॉस में आते हैं जिसको हटाते हैं। देखिए हमने यही किया था देखिए ऊपर क्या था देखिए गॉस था देखिए यहाँ गॉस था तो जब हमने नीचे आया देखिए टेस्ला में तो 10^4 लगाया देखिए जब हम टेस्ला में हैं तो टेस्ला से देखिए हम इसमें गॉस में आएंगे तो ये चीज हट जाएगी। ओके ओके माय डियर चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आ गया हो तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन हो गया आप 7th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिए 7th क्वेश्चन एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके उदार घटक का देखिए √3 गुना है तो उस स्थान पर नमन कोण पूछे। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए एक क्वेश्चन ये देखिए बहुत ही चीज इसी तरह के देखिए क्वेश्चन और जैसे उल्टा रहेगा अभी अभी आपको पता चले। देखिए आप पहले लिख लीजिए उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं ठीक। देखिए जिसके पास बुक ना तो बुक से लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या कह रहा है एक स्थान में पृथ्वी की चुंबकीय का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का तो देखिए क्षैतिज घटक जो होता है वो बी एस से व्यक्त करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक आपका है जो कि BB है तो BB आपका देखिए दिया है BB बराबर √3 BH है। देखिए ध्यान से देखिए कितना दिया है BH दिया है और इसमें देखिए थीटा का मान पूछ रहा है तो सूत्र देखिए आपका ये देखिए हम आपको बताए थे जब भी थीटा आपको देगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है BB/BH होता है। ओके देखिए इस सूत्र पर आपको रखना BB/BH अब मान रखिए देखिए tan थीटा बराबर BB देखिए है ना तो BB के स्थान पर क्या रखना √3 BH रख दीजिए। देखिए नीचे भी BH है BH से देखिए कट गया आपका। ओके देखिए कटा कि नहीं कटा देखिए नहीं समझ में आ रहा देखिए। देखिए दोस्तों हमने गलती से 8वां क्वेश्चन लगा दिया था क्योंकि 7th और 8th दोनों एक जैसे हैं इधर थोड़ी सी मिसिंग हमसे हो गई थी। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षैतिज घटक जो उसकी क्षैतिज घटक है मतलब क्या बी देखिए क्षैतिज है उसके ऊर्ध्वघटक का √3 है तो BH की मान देखिए इसमें दिया BH का मान देखिए दिया है BB के बराबर दिया है तो इसमें देखिए BB जो है BH का मान देखिए कितना √3 / देखिए BB है BB कटेगा तो tan थीटा बराबर देखिए कितना हो गया 1/√3 हो गया। देखिए tan थीटा बराबर ये tan 30 अंश हो गया देखिए tan 10 से कट गया देखिए थीटा का मान आपका 30 अंश है। देखिए ये आंसर देखिए इतने 7th और 8th दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है दोनों क्या है देखिए एक ही जैसे क्वेश्चन है थोड़ा सा खाली अंतर है थोड़ा सा क्या है अंतर है क्योंकि देखिए इसमें एक वाले में क्या कह रहा है
देखिए नदी कोण थीटा को, थीटा को देखिए नदी कोण या नमन कोण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको नदी कोण या नमन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, नमन कोण ही है। नदी कोण जब भी नमन कोण पूछेगा देखिए ये है। देखिए एक वाला भी हम आपको इसे लगा के दिखाते हैं। देखिए इसी तरह एक वाला भी है, देखिए क्वेश्चन अभी हम आपको दिखा देंगे तो एक वाला आपको समझ में आएगा। देखिए एक वाले में खाली उलट दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का, देखिए उसमें क्या क्षैतिज घटक दिया था, ऊर्ध्वाधर घटक दे दिया। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक दे तो बी का मान देखिए या बी एच का मान देखिए सब कुछ हो जाएगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए पलट जाएगा। ओके देखिए यहाँ पर पलट जाएगा आपका, ये देखिए एक क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बता दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बी की जो वैल्यू जो दिया है तो रूट तीन ये देखिए बी एच हो जाएगा बटे देखिए बी एच हो जाएगा। देखिए बी एच बी एच काट दीजिए तो रूट तीन हो गया, टेन थीटा बराबर देखिए देखिए टेन साठ अंश का मान देखिए हमने कहा नहीं था एक तरह है टेन टेन से कट गया, देखिए थीटा बराबर देखिए सिक्सटी अंश आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में एट हल हो गया, देखिए एट हल हो गया। अब हम आपको नाइन बताने जा रहे हैं, देखिए ठीक है। देखिए हमने कहा ना कि बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सात आठ एकदम एक जैसे क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एट भी देखिए हमने जो ब्लैक बोर्ड पर लगाया था एक क्वेश्चन था, देखिए उसका आंसर देखिए 60 अंक था, उसका आंसर देखिए 30 अंक था। यदि पृथ्वी किसी निश्चित स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण घटक क्षैतिज घटक के मान देखिए रूट तीन, देखिए दोनों तो इसमें देखिए क्षैतिज घटक आगे दिया है, इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर घटक आगे, तो थोड़ा सा उलट बस उलट फिर आपका, तो उस समय देखिए नदी को इसमें नदी को देखिए दोनों पूरे इसलिए जैसे एक क्वेश्चन जैसे हैं, तो आप लोग दोनों देखिए एक जैसे लगा दें। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम आते हैं नाइन्थ में आते हैं, देखिए नाइन्थ वाला भी बहुत छोटा सा है। देखिए किसी स्थान में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके क्षैतिज घटक के देखिए तीन गुणे दस घाती माइनस पाँच वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो है छः गुणे दस घाती माइनस पाँच वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, नदी कोण की गणना देखिए पूछ रहा है। देखिए नदी कोण की जो गणना पूछ रहा है देखिए कैसे लगाना है, देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नौ में जो किया गया है कि इसमें देखिए क्षैतिज घटक देखिए किसी स्थान पर जो क्षैतिज घटक बी एच का मान देखिए दिया है, बी एच बराबर आपको कितना दिया तीन गुणे दस घाते माइनस पाँच देखिए दिया है, कितना दिया तीन गुणे दस घाते माइनस पाँच, और बी ई के मान जो आपको दिया है कितना दिया है देखिए छः गुणे दस घाते माइनस पाँच दिया है। ठीक है क्या पूछ रहा है, नदी कोण यानी पूछ रहा है थीटा का मान देखिए पूछ रहा है, तो आपका देखिए सूत्र क्या लगेगा, देखिए सूत्र आपका क्या लगेगा ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए सूत्र आपका क्या बोले, नदी कोण की गणना कीजिए, तो नदी कोण की गणना देखिए इसको निकालने के लिए देखिए ये सूत्र है कि बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, क्या है बी का बी एच का मान देखिए दिया है तीन गुणे दस घाते माइनस पाँच बराबर बी का मान देखिए छः गुणे दस घाते माइनस पाँच गुणे कॉस थीटा। ओके माय डियर देखिए इतना लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, देखिए दस घाते पाँच से काट दीजिए देखिए तीन देखिए ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखिए तीन बट्टा छः, तो तीन कलम तीन तीन दूनी छः देखिए कॉस थीटा बराबर एक बटा दुई, तो कॉस थीटा बराबर एक बटा दुई का मान कितना होता है कॉस कितना होता है साठ अंश होता है, कॉस कॉस से कट जाएगा थीटा बराबर देखिए साठ अंश देखिए आंसर हो गया। ओके माय डियर देखिए हमने कहा ना बहुत इजी कुछ तरह से क्वेश्चन हमने लगा दिए, देखिए बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दस एकदम आ जाइए, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जो है तीन गुणे दस घाते पाँच वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नदी कोण साठ अंश है, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिए है ना। ओके माय डियर देखिए आपको आपको देख के लगाना है, देखिए यही कोई दसवां क्वेश्चन है तो हम आपको लगा के देखिए दिखा देते हैं। देखिए दसवां क्वेश्चन जो है पृथ्वी के जो क्षैतिज घटक देखिए क्षैतिज घटक जो है बी एच का मान इसमें दिया है, बी एच बराबर कितना दिया है देखिए तीन गुणे दस घाते माइनस पाँच दिया है, ध्यान दीजिएगा तीन गुणे दस घाते पाँच, थीटा का मान देखिए इसमें कितना दिया है साठ अंश दिया है, कितना दिया साठ अंश दिया है, और पूछ क्या रहा है इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्या पूछ रहा है देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, बी ई पूछ रहा है देखिए बी ई पूछ रहा है
तो सूत्र क्या होगा, बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा देखिए कॉस थीटा। तो बी एच की वैल्यू देखिए 3 × 10^5 देखिए -5, बी ई गुणे कॉस देखिए 60 अंश हो गया। तो बी ई बराबर 3 × देखिए देखिए 3 × देखिए इसको मान रख लीजिएगा, डायरेक्ट जब रख के आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके माय डियर, देखिए दोस्तों मैंने ये स्क्रीन पे देखिए सवाल लगा दिया, देखिए बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, देखिए इसका मान इतना रख के बी कॉस 60 अंश के मान देखिए बड़ा 2 खाली से पूरा करें 2 × 3 = 6 देखिए आ गया। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताएगा, अगर अच्छा लगे तो अच्छा है। अब इसका देखिए 11th 12th हम आपको अगले वीडियो में बताते क्योंकि इसमें देखिए समय बहुत खत्म हो गया, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट गुड बाय, देखिए रात के 12 बज गए हैं, हम आपको आगे बताते हैं।